गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, आप लोगों का एडी ग्रुप में सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलेगा, हम लोग फिर से शुरू करते हैं विद्यार्थी आपके क्लास को। और आज हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके अवार्ड थे, इसे हम लोगों ने पढ़ा था। तो 2022 में हम लोग पढ़ते भी जा रहे हैं कि 2022 में कौन कौन से अवार्ड किसे मिला और कौन से महत्वपूर्ण आपके अवार्ड है, ठीक है ना। तो चलेगा, 9 बजे, देखिए यहाँ पर रात लिखा हुआ है लेकिन ये दिन में सुबह होती है आपकी, ठीक है। ये सुबह की क्लास है आपकी 9 बजे की। चलिए तो अब देखते हैं, आज के लिए पहला सवाल आपके पास दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत में सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है वो कौन सा है, ठीक है ना। नहीं, सर्दी है बच्चा, सर्दी है, अभी अभी धूप, बाहर धूप थी ना, इसे से हमने जैकेट उतार के रखा हुआ है, बिल्कुल पास में है मेरे जैकेट, पास में ही रखा हुआ है अभी अभी, ठीक है। इस रूम के अंदर आके एकदम से गर्मी लग गई तो इस वजह से हमने उतार दिया, ठीक है ना। तो देखिएगा, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है, तो भारत में, भारत में दिया जाता है सर्वोच्च, और ये 1954 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, 1954 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है आपका, ठीक है। 1954 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। अब साथ ही साथ आप लोग जानते हैं विद्यार्थियों कि देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग ये पुरस्कार दिए जाते हैं जितने भी। हाँ, मैंने बोला है वैसे, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपका। अगला सवाल, उस व्यक्ति का नाम बताएगा जिसे मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए रेड इंक अवार्ड 2020 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2022 में ही ये। हाँ बिल्कुल, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिए जाते हैं, कौन से, ठीक है ना। हाँ, लास्ट टाइम पर 3 भारतीयों को मिला था 2019 में, कौन सा, भारत रत्न अवार्ड, उसमें भूपेन हजारिका का नाम आता है, ठीक है ना, जो कि पूर्वोत्तर भारत के आपके एक प्लेबैक सिंगर है। उसके बाद नाम आता है इसमें किसका, पूर्व राष्ट्रपति प्रवण दा का नाम आता है, ठीक है ना, देशमुख जी का नाम आता है, ठीक। तो ये किसे दिया गया आपका, दानिश सिद्दीकी। तो ये पुरस्कार दानिश सिद्दीकी, दानिश सिद्दीकी एक फोटो पत्रकार थे जिनकी अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, जो अफगानिस्तान के अंदर जो अभी हालिया जो घटना हुई थी उसी घटना में इनकी क्या कर दी गई थी, मृत्यु, हत्या, सॉरी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, दानिश सिद्दीकी। अब इसके साथ में अगर आपसे पूछना चाहूं कि अफगानिस्तान से जो भारतीय लोगों को वापस लाया गया तो वो कौन से अभियान के तहत लाया गया, देखिए उसे नाम दिया गया था आपका, जो कि आपका अफगानिस्तान से भारतीय लोगों को वापस लाया गया भारतीय सेना के द्वारा जो संयुक्त किया था आपका अभियान था सेना एयरफोर्स का, तो उसे नाम दिया गया ऑपरेशन, ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत लाया गया, ठीक है, ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट सवाल, मैग्सेसे अवार्ड, देखिए फर्स्ट, देखिए मैग्सेसे अवार्ड, और जब भी ये अवार्ड आता है तो मैं आपको 3 चीजें जरूर बताता हूं, ठीक है, किसके बारे में, विनोबा भावे जी के बारे में 3 चीजें जरूर बताई जाती है आपको। एक तो 1940 की घटना, एक 1950 की घटना और एक 1958 की, ये 3 चीज। अब आप पैट के एग्जाम में गए तो आपने कहा सर जो आपने चर्चा भी करी थी उनमें से सवाल हमें देखने को मिला, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका 1940 में, 1940 में अगर बात की जाए आपके कि 1940 में क्या हुआ था, तो गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया, उसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे जी थे, ठीक है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाता है कि 1950 में क्या हुआ, तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, बिल्कुल विनोबा भावे जी ने, कि जो बड़े किसान हैं वो छोटे किसानों को अपनी जमीन का या अपनी भूमि का कुछ हिस्सा दान में दे दें, और ये बहुत अच्छे लेवल पर उस पर हुआ, ठीक है, सफल रहा। और 1958 में इनके सामाजिक कार्यों के लिए, सोशल वर्क के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया, रेमन मैक्से पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसी को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी आप लोग जानते हो, किसको, जो 1958 में देखे पहले भारतीय थे इन्हें दिया गया। तो ये तीनों डेट याद है ना अपने को, चलेगा सर। दूसरे नेहरू जी थे, विक्रम विद्यार्थी कहते सर दूसरे, आज ठंड नहीं है क्या, चलो यार मैं ना जैकेट पहन ही लेता हूँ, लो अब बार बार मुझे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा, इस अच्छा मैं पहन ही लेता हूं, मैंने क्या सोचा कि मैं पैदल आया ना तो वो
इसलिए गर्मी लग रही थी और कहीं ऐसा ना हो कि कल तक सर्दी लग जाए, इसलिए मैं पहन लेता हूं, तो इस सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। नहीं, ठंडी तो थी, लग रही थी, बाहर गर्मी थी ना, इस वजह से हमने जैकेट हटा दिया था। आगे देखेगा कि निम्नलिखित में से 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार, वैसे मेरे को ठंडी लगने लगी थी इसलिए मैंने पहन लिया, वो बाहर गर्मी थी इस वजह से, लेकिन अब ठंडी लगने लग गई थी, ठीक है। तो 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आपका किसे? तो देखिएगा, हरसाली मल्होत्रा, हरसाली मल्होत्रा, तो इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। हरसाली मल्होत्रा जिन्हें, कौन सा? तो डॉक्टर, देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2022। नेक्स्ट सवाल देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका 1985 से, 1985 से, तो देखिएगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है और किसे दिया जाता है? तो ये खेल प्रशिक्षण के लिए जो कोच होते हैं उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। जो कोच होते हैं विद्यार्थियों, उन्हें इस पुरस्कार से क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है, ठीक है, चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? तो बेस्ट कोच, यानी कि कब और कब दिया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को इसकी घोषणा की जाती है, क्योंकि इस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विद्यार्थी, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में इस दिन मनाया जाता है, इस वजह से ये पुरस्कार आपका इस दिन दिया जाता है, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाले दूसरे गायक कौन है? अब देखिएगा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि भारत में सिविलियन अवार्ड है सबसे बड़ा हमारा, तो दूसरे गायिका पूछा गया आपका, ठीक है, दूसरे तो कौन है? तो इससे पहले शुभा लक्ष्मी घर के 1998 में उन्हें दिया गया था, और ये 2001 में लता दीदी को दिया गया। और आप जानते हैं कि क्यों ये सवाल आपके सामने है, क्यों ये सवाल आपके सामने है? तो 2001 में लता दीदी को विद्यार्थियों इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? तो 2001 में। आया, समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये तो हमारा रटा रटाया सवाल है, और आप जानते हो कि इस बार एक बांग्लादेशी विद्यार्थी महिला है जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वो नाम हमने अभी यानी थोड़ी देर पहले टॉपर्स कड्डे पर हमने पढ़ा था, समय टॉपर्स कड्डे पर अभी का मतलब 5 बजे पढ़ा था ना, वो नाम हमने पढ़ा था कि इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया और ये कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है, तब हमने आंसर बांग्लादेश दिया था, तो वो नाम आप हमें बता सकते हैं। तो ये दिया जाता है आपका न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट को दिया जाता है, कब से? 1917 से दिया जा रहा है, और कौन सी सरकार देती है? तो अमेरिका सरकार के द्वारा, अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। फाहिदा अजीज, अच्छा, बहुत बढ़िया, हाँ चलेगा, बहुत बढ़िया। देखिए, सबको याद है, सबको याद है, देखिए, जिसको याद नहीं है वो 5 बजे वाली क्लास में जाके आएगा, वहां देखेगा, वहां से याद करो, फिर यहां आके आंसर दे देना, ठीक है। देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे कोलकाता स्थित नेताजी अनुसंधान ब्यूरो नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? अच्छा खासा सम्मान दिया, अच्छा खासा, देखिएगा, खिलाया पिलाया, उसके बाद भेज दिया, देखिए, तो ये सम्मान दिया गया विद्यार्थियों, नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? शिंजो आबे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व विद्यार्थियों प्रधानमंत्री रह चुके हैं, कहां के? जापान के, पूर्व प्रधानमंत्री कहां के? जापान के, ठीक है ना। और इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, शिंजो आबे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, ठीक है। इनके द्वारा ही जो क्वाड है विद्यार्थी आपका, क्वाड्रिलेटरल, जो एक आपका क्या है, डायलॉग संगठन है, इसकी शुरुआत, इसकी विचारधारा इनके द्वारा ही रखी गई थी। जो चीन की विद्यार्थी एक महत्वाकांक्षी वर्तमान समय पर नीति है, उस नीति को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया आपका, क्वाड की शुरुआत करी। उस क्वाड में कौन है? अमेरिका है, उसमें इंडिया है, उसमें जापान है, और उसमें कौन है विद्यार्थियों, एक रह गया ना, कौन रह गया? ऑस्ट्रेलिया रह गया।
हाँ जापान भी इसमें है, ठीक है जापान भी इसमें है। तो देखिए ये चार देश क्वाड में शामिल है। यदि मैं आपसे पूछूं क्वाड जो सम्मेलन है 2022 में कौन होस्ट करेगा, तो कौन बता रहा है सर? क्वाड एक्स, देखिएगा मालाबार एक्सरसाइज में भी क्वाड कंट्रियां भाग लेती है। मालाबार जो एक्सरसाइज है उसमें भी क्वाड कंट्रिया क्या करती है आपकी, भाग लेती है, ठीक है ना। चलेगा तो जल्दी आंसर दीजिएगा, जल्दी आंसर दीजिए विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा कि 2022 में क्वाड सम्मेलन कहां पर होगा? जापान। सर टोक्यो जापान में होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्वाड सम्मेलन 2022 में कौन होस्ट कर रहे है? तो टोक्यो जापान कर रहा है। नेक्स्ट सवाल, अगला देखिएगा, धनवंतरी पुरस्कार दिया जाएगा आपको, तो आपको ये सम्मान किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाएगा? यदि आपको धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है तो किस कार्य में या किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए, ठीक है ना। धनवंतरी अवार्ड जो दिया जाता है आपका किस क्षेत्र में, भौतिकी भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, चिकित्सा के लिए, किस क्षेत्र में? तो आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा किसके लिए? मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में आप कार्य करोगे तो ही आपको ये सम्मान दिया जाएगा, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला सवाल, पद्म पुरस्कार 2022 में कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया था? देखिए मैं आपसे कहूं कि पद्म पुरस्कार आपके तीन कैटेगरी में होते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तीन के देखिए पद्म पुरस्कार आपके, एक तो होता है पद्म विभूषण, क्या होता है सबसे बड़ा नाम है तो इनमें सबसे बड़ा पुरस्कार भी है पद्म विभूषण, दूसरा क्या आएगा पद्म भूषण, और तीसरा क्या आएगा पद्म श्री। इन तीनों पुरस्कारों को विद्यार्थियों देखिएगा ये सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न के बाद अगर आपको दिया जाता है तो पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, पद्म श्री। आपने कहा 4, 17 और 107, चलो ठीक है भाई, 4, 17, 107 टोटल मिला के 128 होने चाहिए, आपने जो कहा वो हमने लिखा यहां पर, ठीक है। तो इस बार 2022 में 26 जनवरी को जब ये पुरस्कार दिया गया था तो कितने लोगों को? 128 लोगों को दिया गया था। प्रत्येक वर्ष इसकी घोषणा 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के दिन इसकी घोषणा की जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा, एनुअल अवार्ड यहां पर पूछा गया, वार्षिक अकादमिक पुरस्कार। अभी मिठाई खत्म नहीं हुई क्या दीपावली की? रमन बच्चे कह रहे कि सर अभी रसगुल्ले बच्चे हुए, चलो कोई बात नहीं, आप रसगुल्ले खाइएगा और हमारे लिए विद्यार्थियों गर्मा गर्म चाय आ गई, ठीक है। तो आप रसगुल्ले खा लीजिएगा जब तक घर पे हो सब लोग, ठीक है ना। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग घर से अभी तक क्लास में क्यों नहीं लौटे, अभी मिठाई खत्म नहीं हुई मतलब फ्रिज की, तो उसे खत्म करके ही आओगे। चलेगा तो एनुअल एकेडमिक अवार्ड जो दिया, जैसे से क्या कहते हैं आपका ऑस्कर पुरस्कार, ये किस में दिया जाता है आपका? तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। किस में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान, ठीक है। 2022 के लिए कौन सी मूवी को चुना गया? तो कोडा आएगा विद्यार्थी उसमें, ठीक है ना, कोडा, कोडा है विद्यार्थी, कोडा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, असम वैभव 2021 का सम्मान दिया गया, असम सरकार के द्वारा। चलेगा ठीक है ना, तो देखिएगा यहां पर पूछा गया असम सरकार द्वारा असम वैभव 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आपका किसे? रतन टाटा विद्यार्थियों, किसे दिया गया? रतन टाटा, चलेगा रतन टाटा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको किस में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में। ये पुरस्कार 1965 से दिया जा रहा है, पहली बार किसी व्यक्ति को दिया गया तो उनका नाम क्या था? शंकर कुरूप, उनका नाम क्या था विद्यार्थियों? शंकर कुरूप। और इन्हें ये पुरस्कार मलयालम भाषा के लिए दिया गया, मलयालम भाषा के लिए दिया गया।
अब यहां पूछ रहा है कि पहली बार हिंदी भाषा में किसे दिया गया, ठीक है, आपसे पूछ लेगा तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, आशा पूर्णा देवी को पहली महिला थी जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 55वां किसे दिया गया, 56वां किसे दिया गया और 57वां किसे दिया गया, ये तीन पुरस्कार जो 55वां दिया गया था विद्यार्थियों, ये भी मलयालम भाषा के लिए दिया गया, मलयालम के लिए, ठीक है ना। जो 56वां दिया गया विद्यार्थियों वो कौन सी, असमी भाषा के लिए दिया गया आपका, और 57वां कौन सी, तो कोकणी भाषा के लिए, 57वां कोकणी भाषा के लिए। अब इन तीनों के नाम आपको याद है किस किस को दिया गया, सर देखेगा जो 56वां दिया गया था वो दिया गया था अथिकम अच्युतन को, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे जो 56वां दिया गया विद्यार्थियों वो किसे दिया गया था आपका, नीलमणि फुकान को दिया गया, और 57वां दामोदर मोजो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, दामोदर मोजो। कोंकणी भाषा, कोंकणी भाषा भारत के कौन से राज्य या क्षेत्र में बोली जाती है, मलयालम केरल में, मलयालम केरल में बोली जाती है, समझो मलयालम केरला भाषा में, और सॉरी केरल में बोली जाती है, ठीक है। चलिए तो कोंकणी कहां पर बोली जाती है, भारत के कोकिला विद्यार्थियों, पार्श्व गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर, हाल ही में उनका निधन हुआ, तो उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था, तो ये हम लोग पहले ही बहुत बता चुके थे सर, गोवा में बोली जाती है। अरविंद अडिगा को व्हाइट टाइगर के लिए, धीरज बच्चा उन्हें क्या मिला था, रेमन मैक्सेसे, सॉरी आपका मान बुकर प्राइज मिला था, मान बुकर, ये 2021 में विद्यार्थी, ठीक है 2001। अभी बात करी थी हमने भारत में किस क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, ये सम्मान आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो प्रथम जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और देखिएगा 2022 के लिए यानी कि 21-22 के लिए यह पुरस्कार दिया गया 52वें नंबर का, ठीक है। तो ये जो 52वां दिया गया आपका, यानी 52वां जो पुरस्कार दिया गया किसे दिया गया, आशा पारेख जी को दिया गया, 51वां दिया गया था रजनीकांत जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो जो प्रथम दिया गया 1969 में वो किसे दिया गया था, देविका रानी, बिल्कुल सही कहा आपने सर, देविका रानी को दिया गया था प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और भारत के कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, वो कौन सा मंत्रालय हमारा, तो ये मंत्रालय कौन सा आएगा आपका, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, इसकी घोषणा कौन करता है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। चलेगा सवाल नंबर अगला पूछ रहा आपसे कि किस अभिनेता ने 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में 1944 से दिया जा रहे हैं, फॉरन जो हॉलीवुड विद्यार्थी एसोसिएशन है उसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि किसे दिया, बेस्ट एक्टर मेल कैटेगरी के लिए जो दिया गया, तो वो दिया गया आपका किसे, विल स्मिथ को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और स्पेशली हमने पढ़ा भी है, स्पेशली विद्यार्थियों हमने पढ़ा भी है। गुड मॉर्निंग माधवी बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलेगा नेक्स्ट सवाल, बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, बुकर पुरस्कार अब तक 5 भारतीयों को मिल गया, जैसे आपने कहा अरविंद अडिगा, तो अरविंद अडिगा किस क्षेत्र से हैं, तो अरविंद, सॉरी अरविंद अडिगा को किस क्षेत्र में दिया गया, तो उनकी बुक व्हाइट टाइगर के लिए, अरुंधति रॉय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया, ठीक है ना। इन्हें फ्री स्टेट के लिए किसे मिला, ठीक है, इसी तरह से देखिएगा। तो जो पहला पुरस्कार दिया गया था आपका वी एस नाइपॉल 1971 में इन्हें सम्मानित किया गया, ठीक है, तो इनकी बुक है, गुड मॉर्निंग अजय बच्चा, गुड मॉर्निंग। तो देखिएगा अलग अलग लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया,
मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है ना, एक जो उपन्यास, सबसे बड़ी बात है कि ये पुरस्कार उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है, उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, और ये पुरस्कार आपके कितने कैटेगरी में दिया जाता था तब आपका, तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में विद्यार्थियों, लिटरेचर में और पीस में। तो ये पांच कैटेगरी पहले से थी, इसमें एक नई कैटेगरी शामिल हुई आपकी, वो नई कैटेगरी आपका 1967 में शामिल किया गया, इकोनॉमिक्स। तो आज के समय पर छह अलग अलग क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। दीपक बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिएगा, छह अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार आज के समय पर दिया जाता है, और एक कैटेगरी में अधिकतम कितने लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आठ में नहीं दिया जाता है, एक कैटेगरी में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है, आठ में नहीं दिया जाता है सर, बिल्कुल नहीं जाता। सौरभ बच्चा, मैं वही कह रहा हूं कि एक कैटेगरी में कितने लोगों को दिया जा सकता है। सर जी गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से, पूर्ति पांडे बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट क्या है, मंत्रा, बहुत बढ़िया, मार्केट मंत्रा, गुड मॉर्निंग। श्री बालाजी कोचिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबका नाम लेना है, चलो बहुत बढ़िया। सर अधिकतम तीन लोगों को, देखिए दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 से किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार दिया गया, तो ये दिया गया था किसे आपका, विक्रांत मैसी है, विक्रांत मैसी को विद्यार्थियों दिया गया था इंटरनेशनल, देखिएगा जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। अगला सवाल, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में पहला रेल बजट किस वर्ष पेश किया गया, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हमसे, नहीं कल से होगी बच्चा, कल से। सर आईटीआई की बुक कैसे मिलेगी बच्चा, आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा, कल ठीक 9 बजे, जैसे ही 9 बजेगी आप ऑफिशियल नंबर पर कॉल करेगा, फिर आपको पूरी प्रक्रिया बता दी जाएगी कि आप यहां से लेके जाना चाहते हो या ऑनलाइन मंगाना चाहते हो, तो सारी प्रक्रिया आपको बता देंगे, ठीक है, बस इतना ही पता है मेरे को। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, सर डी 1932, 1932 सर, 1924, नन ऑफ दीज। आप जानते हैं ना 1900 विद्यार्थियों 24 में एक्वर्थ कमेटी के द्वारा ऐसा किया गया था, और ये 92 ईयर तक चलता रहा, समझो, नन ऑफ दीज का सम्मान करिएगा। तो देखिएगा आपका, तो ये ध्यान देना होगा आपको 1924 से, और कब तक आपका 2017 में फिर से इसे आम बजट में शामिल किया गया। तो 1924 में कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया, एक्वर्थ कमेटी ने। अब 2016 में वो कौन सी कमेटी थी कि जिसने ये रिकमेंड किया विद्यार्थियों कि अब रेल बजट को आम बजट में क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए। तो उस कमेटी का नाम पता है हमें, उस कमेटी का नाम पता है हमें कि जो ये जिसने विद्यार्थी रिकमेंड किया कि इस रेल बजट को भी अब कहां पर आम बजट में शामिल कर दिया जाएगा, और इसे भारत के वित्त मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाएगा, ठीक है, भारत के वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट बनेंगे आपका अगला सवाल, जल्दी आंसर दीजिएगा सर, विवेक राय कमेटी, बिल्कुल विवेक राय समिति, विवेक राय मेहता है, विवेक राय मेहता चलेगा, विवेक देवराय समिति, विवेक देवराय समिति, विवेक देवराय या विद्यार्थी, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 तक भारतीय रेलवे, अच्छा मार्ग की लंबाई कितनी है, ये बहुत बढ़िया, देखिएगा 2021 तक, हम 2022 पूछेंगे, 2022 तक कितनी हो गई फिर, तो ये तो 1 अप्रैल 2022 21 पूछ रहा है ना, अब 2022 में कितनी हो गई, ये रेल बजट जब पेश किया होगा तब बताया होगा आपका। तो देखिएगा तब कितनी थी आपकी, 67,900 विद्यार्थियों, 56 किलोमीटर, ठीक है चलेगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारतीय रेलवे की इंटीग्रल विद्यार्थी जो कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, भारतीय रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री
कहां पर देखने को मिलेगा हमें? वर्तमान समय पर रेलवे मंत्री कौन है? चलो बता देता आपको, अश्वनी वैष्णव। वर्तमान समय पर रेलवे बोर्ड के हेड कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर क्या बनेगा? चेन्नई के अंदर, चेन्नई के अंदर समझो कहां पर है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF। समझो ICF के बारे में आपको कई बार पूछता भी है, और जो वंदे भारत एक्सप्रेस आपका ट्रेन 18 को जो डिजाइन किया गया, इसी के द्वारा किया गया, ICF के द्वारा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला सवाल, भारतीय रेलवे के द्वारा कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली को किस वर्ष शुरू किया गया था? अगर ऐसा सवाल पूछे आपसे, भारतीय रेलवे के द्वारा इन विच ईयर वॉज द कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया भारतीय रेलवे ने, तो इसे किस वर्ष किया था? विमल सब लोग देखिए, कुछ सवाल थोड़ा सा बाहर के आ गए ना, तो आज नहीं, ऐसा भी नहीं कि बाहर के, आपके सवाल है, हमने दोबारा से इनको रिपीट किया हुआ है, रेलवे के समय पर आप लोगों को याद करवाया था। सर पैरा मधुर होगा, चलेगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बच्चे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, इंटीग्रल, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, ICF चेन्नई में है यार, ICF चेन्नई में ही है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ही है। सर 1995, अरे 1986 में भारतीय रेलवे के द्वारा आरक्षण प्रणाली को शुरू किया गया, ठीक है, 1996 में। देखो सब लोग धक्के खा रहे, अब रेलवे के क्वेश्चन को हटा देते हैं हम लोग। एक सवाल, इसका आंसर कौन देगा, इसको होमवर्क के तौर पर रखे, ठीक है, ये आप लोग इधर ICF चेन्नई में है बच्चा, ICF चेन्नई में ही है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में ही है, ठीक है। मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूं, आप इसे जुलाई 2021 लिखा हुआ, मैं जुलाई 2022 करता हूं, ठीक है ना, जुलाई 2022 तक भारतीय रेलवे की ट्रेनों में सीटों का बुकिंग के लिए सामान्य, देखिए आप रिजर्वेशन कितने समय पहले कर सकते हैं, आज के दिन देखिएगा, अगर आपको जनवरी में घूमने जाना है, कहां पर, तमिलनाडु में जाना आप लोगों को, ठीक है, आप कहां जाना चाहते हो, ऊटी जाना चाहते हो, और रिजर्वेशन आपको करना है, तो कितने दिन पहले कर सकते हैं? यदि आप घूमने आना चाहते हो मसूरी के लिए, तो आप रिजर्वेशन करना चाहते हो कितने दिन पहले कर सकते हैं? ये क्वेश्चन पहले कराया है बच्चा मैंने, कहीं ये रेलवे के समय पर करवाए थे, इससे पूछा मैंने आपको, एग्जाम में आए हुए ना, आज के दिन कह रहा हूं मैं, जुलाई 2022 में, हो सकता है 90 दिन हो गया हो, 120 दिन गया, कितने दिन पहले आप रिजर्वेशन करके रख सकते हो, आपको कितना समय मिल जाता है? देखो ये आपके लिए क्लास, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इसी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख के भेजिएगा। आप तो अक्सर सफर करते हो, हम लोग तो देखिए पहाड़ से है, तो हमने तो 18-19 साल की उम्र में तो पहली बार ट्रेन देखा, ठीक है ना, तो आप लोग तो रिजर्वेशन समझते क्या चीज है, हमारे लिए तो थोड़ा रिजर्वेशन बाद में समझ में आया कि ट्रेन में पहले से टिकट लेनी पड़ती, नहीं तो हम तो पहली बार जब ट्रेन में घुसे होंगे तो कहीं ना कहीं कंडक्टर को ढूंढ रहे होंगे किराया किसको देना है, ठीक है, अब जब हमने देखा ही नहीं तो हम उसको ढूंढेंगे ना, अब काले कोट वाला है तो हम कहने लग गए कि देखिएगा एक कंडक्टर हमें बड़ा परेशान कर रहा है, जबकि वो टिकट मांग रहा है, मैं कह रहा हूं टिकट खरीदा ही नहीं तो कहां से टिकट दूं, अब टिकट तुम मुझे दोगे ना तभी तो मैं, देखो हम किराया देने के लिए पैसे निकालने वाले थे, ठीक है, फिर बाद में समझ में आया, चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल देखिए, यहां पर सवाल क्या पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर चलती है, ठीक है ना, याद रखिएगा अरब सागर के समांतर चलती है, जो तट के साथ दृश्य प्रस्तुत करती है। देखिए आप सवाल पूछा गया, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समांतर चलती है जो कि तट के साथ दृश्य प्रस्तुत करती है। देखिए सच्ची कहानी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सर आपकी सिर्फ नॉन टेक्निकल की क्लास नहीं है क्या, एप्लीकेशन पर देखिएगा, सिर्फ नॉन टेक्निकल की तो नहीं बनाई अभी, लेकिन अब सोच रहे कि नए साल में कुछ नया कर दिया जाए और सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक खत्म कर दिया जाए, ठीक है, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ज्योग्राफी है जो हमको अच्छा लगता है, बायो वाला पोर्शन, ठीक है ना, उस स्पेशली उसमें बाकी आपके रीजनिंग
हिंदी मैथ्स ये सब कुछ जोड़ देंगे और एक आपको पूरा पैकेज दिया जाए फ्री में दे देंगे उसको, ठीक है चलेगा। तो देखिएगा आप देखिए किसकी बात करेंगे इसमें से, मैं अरब सागर के पैलर की बात करें, चलो पहले अरब सागर तो पता चले है कहां, अरब सागर पता तो चले है कहां पहले, चलेगा। तो देखिए इंडिया का ये वाला पोर्शन विद्यार्थी क्या है, ये हमारा अरेबिक सी है, ये क्या है विद्यार्थी आपका अरब सागर है, ठीक है। अरब सागर से अगर राज्यों की बात करें, यहां गुजरात महाराष्ट्र, इधर से क्या आएगा आपका गोवा कर्नाटक और इधर केरला आएगा। तो जो कोंकण रेलवे है ना आपकी, इन राज्यों से होकर गुजरती है, इसे कोंकण तट कहते हैं, इसी को कोंकण तट कहते हैं विद्यार्थियों, इसे क्या कहते हैं कोंकण तट कहा जाता है, ठीक है ना। चलेगा ठीक है ना बाबू। तो देखिएगा इसका देखे, हाँ कोंकण रेलवे के द्वारा, ठीक है कोंकण रेलवे के द्वारा। गुरुजी मैं EWS वाला हूं तो क्या हमें छूट मिलेगी? हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि केदारनाथ जाऊं घूमने के लिए, तो हो सकता है कि हमारी जो प्रकृति है ना, तो मैं अगर बिना जैकेट के जाऊं तो क्या पता मुझे भी छूट मिल जाए और वहां पर मुझे सर्दी कम लगे, ऐसा हो सकता है। मैं भी सोच रहा हूँ कि केदारनाथ की तरफ घूमने जाऊं और गलती से ये सोचेगा कि मैं जैकेट लेके नहीं गया तो क्या मुझे वहां पर सर्दी में कुछ छूट मिलेगी, कि मुझे ठंडी कम लग जाए, बस सर्दी में कुछ छूट मिलेगी मुझे कि नहीं मिलेगी, अगर मिल जाएगी तो मैं भी दे दूंगा बच्चा आपको, चलेगा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के लिए माल ढुलाई के लिए विद्यार्थियों माध्यम में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करता है? तो वो रिजर्वेशन से नहीं होता विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलेगा। तो सबसे अधिक राजस्व देख तो यहां पर तो दिया भी गया आपका, तो वो किसमें आएगा आपका, सॉरी फर्टिलाइजर में नहीं आएगा विद्यार्थी, आपका किसमें आएगा सबसे ज्यादा, कोल विद्यार्थियों, कोल आएगा आपका, ठीक है ना, कोल में, किसमें आएगा विद्यार्थियों कोल में और कोयला। चलिए तो ये सवाल हमारे थोड़ा पीछे हो गए, अब इनको ये DFC सेल के लिए स्पेशली एक सवाल, अब यहां से शुरू करते हैं आपका प्रीवियस ईयर के कुछ सवालों की अगर बात करेंगे, प्रीवियस ईयर में विद्यार्थियों आपके अलग अलग एग्जाम में जो सवाल पूछे गए थे, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कहां पर दिया गया 148 में ये व्यवस्था दी गई, कैग कैग की व्यवस्था कहां पर दी गई, आर्टिकल 148 में दी गई, ठीक है ना। चलेगा अभी नहीं, वो आंसर चेंज हो गया था, वो आंसर चेंज हो गया था, चलेगा ठीक है। तो देखिएगा 148, ठीक है आर्टिकल 148 के अंदर ये व्यवस्था दी गई कैग, और कैग देखिए वो तो आप लोगों का प्यार है, कुछ बहुत बीस बीस में मस्ती जरूरी भी आप लोगों के लिए कभी कभार, वैसे डेली तो नहीं किया जा की जा सकती, लेकिन बीस बीस में ऐड मैंने कहा ना जरूरी है। तो देखिएगा इसमें राइट आंसर क्या आएगा, कैग कितने समय के लिए, जिन जिन ने 5 और 65 आंसर दिया वो कान पकड़कर उठक बैठक लगाएंगे, क्योंकि यहां हमने कभी 5 नहीं लिखाया, हमने 6 और 65 लिखाया होगा, जो भी पहले हो 6 और 65 लिखाया होगा हमने आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग, तो जिसने 5 65 किया था वो कान पकड़कर उठक बैठक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल, मानसून वन भी कहा जाता है, मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है, आजकल एक दो सवाल SSC ऐसा भी पूछता है, लेकिन इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि सर आपने कभी नहीं बनाया था, ठीक है ना, ये प्रभु फिर आगे चलेगा। देखिएगा मानसून वन भी कहते हैं, किसे कहते हैं, ट्रॉपिक विद्यार्थी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल जो आपका, तो जो सदाबहार वन है आपका, देखिएगा तो यहां पर क्या आएगा आपका ट्रॉपिकल विद्यार्थियों, आपका फॉरेस्ट, ये सदाबहार वन जिसे मानसून वन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आपका, पंडित रविशंकर को किस क्षेत्र से संबंधित मानते हैं आप लोग, पंडित रविशंकर को किस क्षेत्र से मानते हैं आप लोग, संतूर वादक, सहनाई वादक, सितार वादक या तबला वादक, पंडित रविशंकर क्या थे आपके, सितार वादक, पंडित रविशंकर भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित, चलेगा।
चलिए नेक्स्ट बनेंगे आपका अगला सवाल। पुराने जलोढ़ से बने बाढ़ के मैदानों को विद्यार्थियों, ठीक है ना, ऊपरी स्थित उत्तरी मैदान में बड़ा हिस्सा है जो कि एक छत जैसी है, ये क्या कहलाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो इन्हें क्या बांगर कहा जाता है या खादर कहा जाता है? बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है आपका? तो इसे बांगर कहते हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। नई जलोढ़ मिट्टी, देखिएगा ये नदियों के द्वारा जो बहाए गए के साथ, नदियों के साथ विद्यार्थी जो बहाकर ले गई गई, ठीक है ना। तो ये आपका खादर और बांगर आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है? चलिए, एक व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश के रूप, सुप्रीम कोर्ट में वो क्या चुनेंगे आपके? जस्टिस के रूप में चुनेंगे। वो इसके लिए योग्य होंगे जब तक, देखिएगा, वह कम से कम कितने वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में उन्होंने क्या नहीं करे विद्यार्थियों, लगातार अधिवक्ता न रहे हो। तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश तो चुना जाएगा, लेकिन उन्होंने हो सकता है 10 वर्षों तक लगातार एक न्यायालय में या इसके अलावा दूसरे उच्च न्यायालय में क्या किया हो, काम किया हो, ठीक है ना। हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो कम से कम कितने साल तक? 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक उन्हें काम करना होगा, 10 वर्षों तक, 10। चलिए अगला सवाल, मोहम्मद आदिल शाह राजसी का मकबरा कहां पर है? तो हमने आपसे क्या कहा था कि ये गुम्बज किसने बनाया? आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था। ये गुम्बज किसने बनाया विद्यार्थियों? आदिल शाह के द्वारा बनाया गया था। तो कौन सा? गोल गुम्बज। और गोल गुम्बज कौन से राज्य में आज के समय पर? बीजापुर में बाबू, बीजापुर। बीजापुर का गोल गुम्बज किसने बनाया? आदिल शाह के द्वारा, ठीक है ना। पढ़ा रहे, बता रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं बता रखा। यहां पर पूछा गया विद्यार्थी, देखिएगा इन्फ्लेशन, विद्यार्थी यहां पर पूछा गया, देखिए, डिस्क टिश्यू दैट द सराउंड द ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो इससे देखिए, ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रोग है, ठीक है ना, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रोग अगर आपसे पूछा जाए इसमें से, तो मैनेजाइट्स, मैनेजाइट्स से, देखिएगा ये मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रोग है, मस्तिष्क, मस्तिष्क, समझो। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका, इसमें क्या आएगा आपका? मैनेजाइट्स, मैनेजाइट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्पाइनल कोड और ब्रेन, ठीक है ना, याद रखिएगा। मैनेजाइट्स, द्रव गैसों का ऊष्मा में स्थानांतरण क्या कहलाता है? देखिएगा, इन लिक्विड एंड गैसेस, मुख्य तौर पर देखिए, द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? कन्वेंशन विद्यार्थियों, कंडक्शन, रेडिएशन या मेल्टिंग कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? द्रवों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण, द्रव, लिक्विड, गैसेस, लिक्विड और गैस दिया गया, गैसेस में ट्रांसफर ऑफ हीट। तो आप लोगों को देखिएगा, वैसे तो यूनिट वगैरह सब याद है, उसे पता है कि आप यूनिट को सब जानते हो, इलेक्ट्रिकल हो चाहे विद्यार्थी हो आपके, मैकेनिकल हो चाहे आप लोग सिविल से हो, उसे पता है, आप यूनिट सब जान लेते हैं, ठीक है। तो वो आपसे सवाल पूछेगा लाइट से, आपसे सवाल पूछेगा विद्यार्थी लेंस से, आपसे सवाल पूछेगा वो किससे? हीट से। ये तीन जरूर लेगा, ये तीन टॉपिक जरूर उठाएगा एसएससी के, मैं बात कर रहा हूं, ये एसएससी के अंदर विद्यार्थी आपके लाइट हो गया, हीट हो गया, लेंस हो गया, ठीक है, यहां से क्वेश्चन उठाएगा आपका, क्योंकि वो जानता है कि फिजिक्स में कौन सा टॉपिक, और ये और स्पेशली आपके कंपटीशन एग्जाम में यही पूछता है। अगर रेलवे में जाओगे तो वहां पीरियोडिक टेबल उठा देगा, रेलवे पूरा पीरियोडिक टेबल दे देगा आपका, आवर्त सारणी जिसे कहते हैं। और हाँ, बायो तो आएगा ना, बायो तो विद्यार्थियों ह्यूमन साइंस से बहुत अच्छे सवाल पूछेंगे आपके, डिजीज से पूछेगा, प्लांट टिश्यू, प्लांट सेल, प्लांट डिजीज, ये तो बायो के सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछता ही है। चलेगा, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा हमारा? तो सर यहां पर क्या दिया गया? कन्वेक्शन विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों ने क्या आंसर दिया? आपने भी यही दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार व्यापार मांग को कम, देखिए ये क्वेश्चन भी, मैं ये पुराना नहीं कह रहा हूं, ये सवाल बचे कब आपका? 2022 में आया था, 2022 में मार्च में एक एग्जाम होता है, उसमें सवाल पूछा गया था,
तो भारत की जीडीपी 2019-20 के लिए पहली छमाई में सीमित थी, तब पूछा गया था। लेकिन हम नहीं कहेंगे आपको कि आप इसे याद करिएगा, समझो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस तरह के सवाल भी पूछे जाते कि भारत की जीडीपी फर्स्ट हाफ के लिए क्या है और इस समय पर सेकंड हाफ के लिए क्या है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। किसी देश के विद्यार्थी अगर आपको उसके डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो राष्ट्रीय आय को देखा जाता है, जीडीपी को देखा जाता है। तो ये उस समय की बात थी, तो उस समय पर कितना था आपका 4.8%। अगर मैं बात करूं आज के लिए 2000 विद्यार्थियों 21-22 की, अगर मैं बात करूं 2021-22 के लिए या 2022-23 के लिए, सबसे पहले ध्यान रखेगा एक फिस्कल ईयर क्या होता है, वित्तीय वर्ष। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो कहां से शुरू होता है, हमारा अप्रैल से शुरू होगा और अगले वर्ष मार्च में समाप्त होगा। तो यहां जीडीपी की बात करेंगे तो फर्स्ट सिक्स के लिए यहां से शुरू करेगा अप्रैल से गिनना, पहले 6 महीने के लिए, और सेकंड हाफ में विद्यार्थियों वहां से आगे और आपका कहां तक, मार्च तक, ये जीडीपी की बात करेंगे, ठीक है ना सर। ये यूपी पिछल में आया हुआ सवाल था, उस समय का 4.8%। मैं आज की बात कर रहा हूं, आज कितना है, आज की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड हाफ के लिए जो जीडीपी देखेगा। कौन सा एडिशन है, द्वितीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था उस समय पर, तो उसका नाम क्या था, आज भी उसका नाम वही है, बांग्लादेश के साथ जो नेवल एक्सरसाइज होता है ना। देखिएगा बांग्लादेश के साथ हम लोग दो एक्सरसाइज करते हैं आपके, एक तो होता है आपका संप्रीति करके, एक संप्रीति आता है, एक कौन सा आता है, बोंगो सागर करके। ये नेवल एक्सरसाइज है और ये सैन्य एक्सरसाइज है आपका। दो एक्सरसाइज आयोजित होते हैं किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, एक होता है आपका बोंगो सागर, ये नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। और संप्रीति की बात करेंगे तो संप्रीति क्या आपका, थल सेना का अभ्यास चलेगा, ये भी यूपी पिछल के अंदर पूछा गया सवाल आपका। अगला सवाल देखिएगा, उत्तर पश्चिमी भाग में, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट देखिएगा इसमें, ये वाला छोर, भारत का उत्तर पश्चिमी भाग यानी कौन सा, लद्दाख से लेकर जम्मू एंड कश्मीर से लेकर आपका पंजाब राजस्थान तक और गुजरात तक, तो इन क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी यही है, सर्दियों के दौरान जो वर्षा होती है समझो, तो इसका कारण क्या होता है, साउथ वेस्टर्न विद्यार्थियों मानसून होता है या वेस्टर्न साइक्लोनिक विद्यार्थियों डिस्टरबेंस की बात की गई यहां पर, तो कौन सा आएगा, तो याद रखिएगा कौन सा आएगा आपका, पश्चिमी विक्षोभ कहते से हिंदी में क्या कहते विद्यार्थी से, तो पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ कहते, ठीक है। तो ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना, चलेगा पश्चिमी विक्षोभ। अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, वीडियो को लाइक भी करते रहेगा। अगला सवाल देखिएगा, मैं आपको बता दूं ये वो सवाल उठाए गए हैं जो सवाल आपको एग्जाम में पूछे गए थे, वही मैंने रखे भी है कि कभी कभार इस तरह का शिफ्ट भी आ जाता है, ठीक है, जिसमें हमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत देखिएगा से संबंधित है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये व्यवस्था आपको फंडामेंटल कहां पर दिखेगी, तो फंडामेंटल राइट में आपको देखने को मिल जाएगा सर। फंडामेंटल राइट यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट विद्यार्थियों थर्ड के अंदर, और राइट टू इक्वालिटी, जहां पर राइट टू इक्वालिटी और समानता का अधिकार राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही शामिल किया गया, और ये व्यवस्था हमने कहां से कॉपी करी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट कहां से लिया गया, कौन बता रहा है, जल्दी आंसर दीजिएगा, थोड़ा वीडियो को शेयर वगैरह भी कीजिएगा, संख्या कम होती है लेकिन ज्यादा भी होनी चाहिए वैसे, ठीक है, एग्जाम टाइम है अभी तो आपको टूट पड़ना चाहिए था सर। फंडामेंटल राइट हमने कहां से लिया, अमेरिका से लिया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंपीचमेंट की व्यवस्था भी, इसके बारे में न जाने कितनी बार आज सुबह भी बताया मैंने आपको, IRDAI भारत में बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करने वाली, कनाडा कौन चला गया, कौन गया था, सचिन चौहान कनाडा चले गए बाबू, कहे गए कनाडा।
कैनेडा, कै फॉर कैनेडा है कै। हमारे गुरु जब हम लोग मैं 10वीं में पढ़ता था तो देखेगा हमारे जो हिंदी वाले जो मैस्टर थे ना तो वो कहाँ से, बिहार से थे, मतलब बिहार क्षेत्र से थे, बिहार और यूपी बॉर्डर से थे मतलब, ठीक है। तो वो हिंदी जब पढ़ाते थे ना तो हमसे बोलते थे पढ़ने के लिए, किताब खोलिए पढ़ने के लिए, तो उनकी हिंदी इतनी खतरनाक होती थी, बोलते चलो आज तुम हिंदी में क्या पढ़ोगे, जाके बोर्ड पे लिखो कै कबूतर खै खरगोश गै गमला गै घड़ी। तो कई देर तक तो समझ में आया कि गुरुजी ने पूछा क्या और मुझे कह क्या रहे गुरुजी। गुरुजी ने कहा कि जाओ लिखो कै कबूतर खै खरगोश गै गमला गै घड़ी। मैं तो सोचा कि बस हो गया फिर तो। अच्छा मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, ऐसी गलती होती है, ठीक है ना। तो इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और आज तक याद है मेरे को सारी चीजें, देखिएगा आज तक याद है पूरा ज्ञातक कि री कहां पर आता है, समझो री कहां पर आता है, चलेगा। तो IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये क्या आएगा आपका हैदराबाद, समझ लो हैदराबाद। और हैदराबाद देखिए भारत में इंश्योरेंस रेगुलेटिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मैंने आपसे ये भी बताया था, और IRDA की स्थापना कब हुई थी, 1999 में हुई थी, ठीक है चलेगा। नहीं कौसे कबूतर तो आप और हमारे इधर होता है ना, अब देखो रीजनल था, रीजनल थे सर, मुझे जहां तक लगता है कि पटना के आसपास के थे, अभी तो अब जाके पूछूंगा अभी भी वही है, उसी स्कूल में है, अब तो प्रिंसिपल बन गए, तब तो उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, स्टार्टिंग आए थे मतलब, अब तो प्रिंसिपल बन गए, तो अब जाके पूछूंगा जब कभी मौका मिलेगा कि सर कहां से हैं, चलेगा। तो देखिए विद्यार्थी आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21 अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, बहुत बढ़िया, वंदे मातरम को गाया गया था। और सवाल पूछा जाता है कि इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी ये भी पूछा जाता है, समझो ये भी पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय गान देखेगा तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में यह हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने करी होगी, पूछते हैं ना कि जैसे पहली बार जो सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने करी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, सर रहीम तुल्ला सयानी, मंजूमदार नहीं थे बाबू, नहीं 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 रहीम तुल्ला सयानी, बद्रुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और रहीम तुल्ला सयानी विद्यार्थियों जिन्होंने 1896 की क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी, चलेगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, देखिए काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था, काकोरी विद्यार्थियों अब इसका नाम बदल दिया, काकोरी कांड विद्यार्थियों कब हुआ था ये, जहां तक मुझे ध्यान है कि 9 अगस्त 1925 की घटना है, ठीक है। ये ट्रेन पहुंचनी थी कहां, सहारनपुर पहुंचनी थी, उससे पहले चलेगा। तो काकोरी षड्यंत्र देखेगा तो इसमें शामिल नहीं थे, इसमें तो 10 लोगों को देखेगा, इसमें सजा भी सुनाई गई थी, 10 लोग शामिल थे, 10 में से 4 को तो सजा सुनाई गई थी इसी घटना के बाद, ठीक है। तो याद रखिए विद्यार्थी इसमें खुद्दीराम बोस, खुद्दीराम बोस इसलिए कह रहा हूं मैं खुद्दीराम बोस क्योंकि खुद्दीराम बोस को तो इससे पहले सबसे कम उम्र में इन्हें क्या कर दिया गया था आपका, फांसी की सजा दी गई थी, तो खुद्दीराम बोस को तो बहुत पहले ही क्या दे दी गई थी, फांसी की सजा, तब वो मात्र 17 साल और कुछ दिन के थे। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें क्या दिया गया था, फांसी की सजा दी गई थी, ठीक है ना। वो 27 नहीं बचे, 25 आएगा है, ये 25 आएगा, हमने 27 लिख लिया यहां पर, चलेगा। नेक्स्ट सवाल, 2+2, 2+2 डायलॉग, 2+2 डायलॉग अगर यूएसए में हुआ, 2+2 डायलॉग समझो विद्यार्थियों, तो देखिए किसके बीच, यहां पर भारत और अमेरिका के बीच में, तो ये कहां पर हुआ था आपका, नई दिल्ली के अंदर, एक बैठक होगी आपका न्यूयॉर्क में, 2+2 विद्यार्थियों मंत्री स्तरीय जो बैठक हुई तो ये नई दिल्ली में हुई थी, अक्टूबर की बात कर गई, तब का करंट अफेयर था, मतलब प्रीवियस ईयर में किस तरह के सवाल पूछे गए वो सारे क्वेश्चन उठाए गए, ठीक है। भारत के राजा कनिष्क किस राजवंश से थे, कनिष्क जिन्होंने
किसकी शुरुआत करी? शक संवत की शुरुआत करी। एट डाउन ट्रेन थी, एट डाउन, अच्छा एट डाउन ट्रेन थी, ओके ओके चलेगा। तो देखिएगा आपका प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये कुषाण से थे शायद, है ना। और कुषाण ए मैं तो लिखा हुआ के दिख रहा है बाबू, कुषाण, इसलिए मैंने कहा इसी को कुषाण लिख लेते हैं क्योंकि नीचे तो कुछ और ही लिखा हुआ है। कुषाण वंश के राजा थे और इन्होंने शक संवत की शुरुआत भी करी थी, शक संवत की शुरुआत भी करी थी 78 ईस्वी में, जिसे भारत सरकार के द्वारा बाद में किस रूप में, हाँ सिल्क रूट भी इन्होंने ही शुरुआत करी थी रेशम मार्ग की। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021-22 के दौरान पहले ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत टेस्ट मैच निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर हुआ? क्योंकि ये गुलाबी गेंद से खेला गया था, ये गुलाबी गेंद से मतलब समझ लो, गुलाबी गेंद का प्रयोग कहां पर होता है? व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल मैच होता है, गुलाबी गेंद का होता है रेड बॉल होता है, ठीक है। तो गुलाबी गेंद से खेला गया, तो डे नाइट मैच था ये, समझ जो भारत का विदेशी धरती में पहला डे नाइट मैच था। वैसे भारत ने अपना पहला डे नाइट मैच किस टीम के खिलाफ खेला था पता है किसी को? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, पूछा भी जाएगा कि भारत ने अपना पहला डे नाइट मैच, डे नाइट का मतलब टेस्ट मैच है, डे नाइट टेस्ट मैच बांग्लादेश, देखिएगा हमारे शुभम सर ने बता दिया सर बांग्लादेश। देखे तो यहां पर पूछा गया आपका, ये देखिएगा आपका राइट आंसर क्या आएगा, एडिलेड ओवल में खेला गया था, एडिलेड में, एडिलेड में खेला गया था, एडिलेड के अंदर। ए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, सवाल ध्यान दीजिएगा, भारत ने अपना पहला जो डे नाइट मैच खेला जहां तक मुझे याद है गुलाबी गेंद, टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं मैं, वनडे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टेस्ट मैच गुलाबी गेंद में होता है डे नाइट, जो टेस्ट मैच वैसे दिनों दिन में होते हैं लेकिन अब डे नाइट में भी होने लग गया। चलेगा नेक्स्ट सवाल, यहां पर पूछा गया सुखोई एम के फर्स्ट विद्यार्थी लड़ाकू विमान एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताएगा, तो रुद्रम फर्स्ट, ये उस समय के एग्जाम में पूछा गया 2020 में, सुखोई विद्यार्थी 30 MKI लड़ाकू विमान से परीक्षण किए गए एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम, तो ये था आपका रुद्रम फर्स्ट, रुद्रम फर्स्ट, पिनाका फर्स्ट नहीं, रुद्रम फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए आज के लिए लास्ट सवाल, दिसंबर 2020 तक, तब के करंट अफेयर थी ये, एग्जाम मार्च में हुआ, एग्जाम मार्च 2021 में हुआ था, हाँ 2021 में हुआ था, हमने 22 गलती से बना दिया, ठीक है सर, इंडिया में कोलकाता में हुआ था, बिल्कुल ईडन गार्डन में हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, ईडन गार्डन में हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ, और भारत ने शायद चौथे ही दिन में मैच जीत दिया था ऐसा मुझे याद आ रहा है, लेकिन आज फिर ढूंढ के। तो देखिएगा लियोन मेसी विद्यार्थी यहां पर क्या पूछा गया, जिन्होंने एक क्लब के लिए 643 गोल करने का रिकॉर्ड बनाए, देखिएगा ठीक है ना, सुनील छेत्री, नहीं नहीं लियोन मेसी, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के सवाल, आप लोगों के लिए किसी पेपर से उठाए गए सवाल है, ठीक है। गुलाबी गेंद क्यों खेलते होंगे मेरे बच्चे, गुलाबी गेंद क्यों खेलते होंगे, चलो भाई गुलाबी गेंद, देखिए गुलाबी का मतलब कहीं और से मत लेना, उम्र के लिहाज से आप कुछ भी सोच सकते हो, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने सफेद कपड़े पहने, आपने कैसे कपड़े पहने बच्चा, सफेद कपड़े पहने हुए पहने है ना आपने सफेद कपड़े, और इधर से आप सफेद ही बॉल गिरा रहे हो, तो सोच लीजिएगा इस भाई साहब ने सफेद बॉल फेंकी तो क्या इस जो खेलेगा उसको दिखेगा क्या वो सफेद बॉल, नहीं दिखेगा ना वो सफेद बॉल, इसलिए गुलाबी बॉल का प्रयोग होता है। आप कह रहे कि सर लाल क्यों नहीं यूज कर सकते, अब गुलाबी अगर वो क्या होगी, पिंक कलर की होगी, लाइट पर उस पर लगेगी तो चमकेगी भी दिखेगी भी, समझो बैट्समैन देखा नहीं आपने साइड स्क्रीन पर कोई घूम रहा होता है तो उसे भगा देता है वहां से, रुक जाता है कि नहीं खेलना जी मेरे को अभी क्योंकि वहां सामने कोई खड़ा है साइड स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये भाई साहब अगर गुलाबी बॉल फेंकेंगे यहां से, चलो गुलाबी उठा देते, गुलाबी तो है नहीं यहां पर लेकिन उठा दिया हमने लाल को, अब देखिएगा दिख रहा है लाल दिख रहा है ना, ये देखिएगा, लेकिन वहां ग्राउंड काला नहीं होगा, वहां ग्राउंड काला नहीं होगा चलेगा, सफेद रोशनी में गुलाबी गेंद सही दिखती है, बस यही मान लीजिएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और सभी लोग
वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, जैसे जैसे लाइव आ रही। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिएगा, चलेगा ठीक है ना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और कल से आपकी सभी क्लासेस, मुझे जहां तक आशा करता हूं कि सभी क्लासेस आपकी प्रारंभ हो जाएगी ठीक है। और हमारी क्लास का जो समय है वो समय रहेगा आपका, दो क्लास तो हम आपके YouTube के अंदर ले रहे हैं, एक सुबह 5 बजे और एक आपका अभी 9 बजे ठीक है। चलेगा, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर इवनिंग तक, तब तक